हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञान वाला होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज को आप कैसे यूज कर सकते हो। जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर पहली बार खरीदा था, मुझे नहीं पता था कि कैसे यूज करते हैं। मैंने इतना स्ट्रगल किया ऐसे यूज करने पे, मुझे लगा था कि मतलब क्यों खरीदता है कोई ये ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज यार, इसे तो बिल्कुल लगता ही नहीं है फाउंडेशन। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने इसे जाना है कि कैसे यूज करते हैं, उसके बाद से मैं फैन बन गई हूँ इसकी। मैंने अपने हाथों का भी इस्तेमाल किया है पहले फाउंडेशन लगाने के लिए, फिर मैंने ब्रश का भी इस्तेमाल किया था। बट ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज से जो फिनिश आती है ना, वो किसी भी चीज से नहीं आती है। बहुत ही एयर ब्रश काइंड ऑफ फिनिश आता है, बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश आता है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता आपका फाउंडेशन। जो ऐसे लाइंस लाइंस बन जाते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं आता इससे। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, मैं इसे कैसे यूज करती हूँ टू गेट दैट फ्लॉलेस फिनिश जो आप हमेशा पूछते रहते हो कि वो कैसे मैं अचीव करती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। देखो, मैं मतलब पागल लगती हूँ, मैं हर टाइम आती हूँ, आप लोगों को कुछ नया नया वीडियो बताती हूँ, आप लोग बिना सब्सक्राइब किए ऐसे फुर्स से चले जाते हो। तो मतलब मेरा ऐसा कहना है कि जब आप किसी के घर में जाते हो तो कुछ दे के जाते हो ना, आई मीन कुछ ले के जाते हो। तो मेरे पास जब आते हो आप मेरे चैनल पर, तो अपना कुछ लाइक देकर जाओ, कुछ सब्सक्राइबर्स दे के जाओ, अपना सब्सक्राइब दे के जाओ, आई मीन सब्सक्राइब करके जाओ। सो ऐसा होता है, होना चाहिए, मतलब ऐसा। आई थिंक आई शुड स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो दिस इज ब्रॉन्ज़ोन प्रोफेशनल्स पिंक ब्यूटी ब्लेंडर, एंड इसकी प्राइस है ₹250, बट ये हमेशा आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा। अभी भी मैं इस वक्त नायका पे देख पा रही हूँ कि ये ₹160 में अवेलेबल है। अमेजन पे भी आपको ये डिस्काउंट पे मिल जाएगा। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप आराम से इसे जाके परचेज कर सकते हो। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये ब्यूटी ब्लेंडर मुझे बजट में इस प्राइस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी हाई क्वालिटी है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने यूज़ किए हैं, हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस वाले भी, बट सब कुछ अगर मिला के देखा जाए तो इस प्राइस में मुझे ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सॉफ्ट है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी दिखाऊंगी। एंड आप देख सकते हो कि जब ये आएगा आपको ना, तो ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, हो सकता है, बट इसको कैसे सॉफ्ट करना है, इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी। साइज इसका अभी जो छोटा आपको दिख रहा है, ये इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब मैं इसे अभी इस पानी में डालूंगी। तो जी हाँ, आपको सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डालना होता है, एंड पानी उसका स्क्वीज कर लेंगे हम। ऐसा नहीं है कि पानी उसमें अंदर ही रहेगा, बट आप चाहे तो यहाँ पे टैप वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका टैप वाटर एल्कलाइन है या फिर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, तो आई वुड रिकमेंड कि जो फिल्टर्ड वाटर होता है वो आप यूज़ करें, जो पीने का पानी होता है वो। सो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में कुछ देर के लिए ऐसे डुबा के छोड़ दो, एंड फिर से स्क्वीज़ कर लो, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस प्रोसेस को आपको 2 से 3 बार करना है। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं ताकि ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर बिल्कुल मॉइस्चर वो सोख ले, एंड यू नो पानी तो नहीं रहेगा बट मॉइस्ट रहना चाहिए वो बिल्कुल। एंड जैसे ही आप इसे पानी में डालोगे ना, तो इसका साइज़ आपको खुद ब खुद लगेगा कि ये बड़ा हो गया है बिल्कुल। आप देख सकते हो कि पहले ये थोड़ा सा यू नो छोटा था एंड इतना सॉफ्ट नहीं था, बट जैसे हमने इसे मॉइस्ट कर लिया, भिगा लिया है, ऑफकोर्स इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बाउंसी हो जाएगा। फेस पर मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है एंड प्राइमर भी लगाया हुआ है। अब हम चलते हैं इस ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू फाउंडेशन को लगाने के लिए। अब फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये फाउंडेशन। आई एम इन द शेड 128 वॉर्म न्यूड, एंड देख सकते हो आप कि बहुत ही कम मात्रा में मैंने लिया है, क्योंकि काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है। एंड ये तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन मेरे लिए 2-3 ड्रॉप ही काफ़ी रहता है। तो इसे डॉट डॉट करके मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। बहुत सारे मेकअप वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें कि ब्यूटी ब्लेंडर में डायरेक्टली फाउंडेशन को पंप करके उससे लगाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है एंड इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है फाउंडेशन। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले पूरे अपने फेस में डॉट डॉट कर लेती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ। अब ब्यूटी ब्लेंडर को आपको बाउंस करना है अपने फेस पे, जैसा कि मैं भी करूँगी। आप देखो, हमें बाउंस करना है अपने फेस पे, ड्रैग नहीं करना है, वरना वो लाइंस बन जाएंगी, केकी हो जाएगा फाउंडेशन। अंडर आई एरिया पर आपको इस तरीके से लगाना है, अपने आईज़ को ऊपर देखते हुए लगाओगे ताकि आपका जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाए एंड अच्छी तरीके से लग पाए फाउंडेशन। अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो फिर वो
केकी लुक देगा एंड फ्लॉलेस नहीं लगेगा, लाइंस बन जाएंगी। तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से हमेशा ध्यान रखना कि आपको बाउंस करना है अपने फेस पे, एंड ये बहुत ही इजीली हो जाता है। इतना अच्छा हाई क्वालिटी है ये स्पॉन्ज कि आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप देख सकते हो अभी कि बस हल्का हल्का मैं बाउंस कर रही हूँ अपने फेस पे, एंड कितना सही ये ब्लेंड हो जा रहा है पूरे फेस पे मेरे। अब एक टैक्टिक्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि लिप्स के बगल में आप हमेशा अपने मुंह को इस तरीके से थोड़ा फुला लेना है, उसके बाद लगाना। इससे क्या होगा ना कि आपकी स्माइल लाइंस में ना फाउंडेशन बैठेगा नहीं, एंड बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों का मेकअप ऐसा रहता है ना कि लाइंस बन जाती है जनरली आईज़ के नीचे में एंड लिप्स के साइड में जहाँ स्माइल लाइंस होती है वहाँ पे। तो ये सब छोटी छोटी मतलब जो टेक्निक्स है जो मैंने अपने मेकअप में इंक्लूड किया है, जिससे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इन सब चीज़ों से, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये चीज़। तो या मेक श्योर कि आप अपने हेयर लाइन पर अच्छे तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहे हैं, वरना फेस का कलर कुछ और एंड साइड कलर कुछ और, एंड वो बिल्कुल ख़राब लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब जो एक्सेस फाउंडेशन बचा है इस स्पॉन्ज में, इसे हम अपने नेक एरिया पर लगाएंगे एंड अपने कानों पर भी लगाएंगे, ताकि जो स्किन टोन है वो इवन लगे। हर जगह का स्किन बिल्कुल सेम कलर का होना चाहिए, वरना वो अच्छा नहीं लगता, आपको भी पता होगा ये चीज़। सो नेक्स्ट हम लेंगे ये कंसीलर फ्रॉम मेबलिन, ये है इनका एज रिवाइंड कंसीलर, एंड इसे हम लगाएंगे अपने अंडर आई एरिया पर। एंड जिनके भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप ये लगा सकते हो। एंड बहुत ज़्यादा नहीं लगाती मैं, क्योंकि भगवान की दया से मुझे अंडर आई एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है डार्क सर्कल की, तो मैं बस हल्का हल्का डॉट डॉट वगैरह लगाती हूँ, थोड़ा सा यू नो ब्राइटन अप हो जाता है अंडर आई एरिया एंड अच्छा लगता है। उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को भी ब्लेंड करूँगी, एंड इस तरीके से ऊपर देखते हुए आप ब्लेंड करें, ताकि क्रीज ना करे ये कंसीलर। एंड आप अपने आईलेट पर भी इसे लगा लेना, क्योंकि इसके बाद अगर आप यू नो अगर आप आई मेकअप करना चाहते हो, आई शेडो लगाना चाहते हो, तो वैसे भी आपको आई शेडो प्राइमर लगाना होता है। तो मैं आई शेडो प्राइमर नहीं लगाती, मैं कंसीलर को ही एज एन आई शेडो प्राइमर भी यूज़ करती हूँ। तो या अगेन अपने लिप्स के आसपास के एरिया को, जैसे मैंने बोला था, इस तरीके से आप फुला लेना अपने मुंह को, एंड उसके बाद आप करना। एंड इससे क्या होगा कि स्माइल लाइंस में जमा नहीं होगी फाउंडेशन या कंसीलर, एंड काफ़ी फ्लॉलेस फिनिश आता है। ये दिखने में थोड़ा फनी लगता है, बट काम की चीज़ है। नेक्स्ट हम अपने बेस को सेट करेंगे विद दिस मेबलिन फिट मी लूज पाउडर, आई मीन द शेड 20। टेकिंग द सेम स्पॉन्ज अगेन हम इसे लगाएंगे, एंड आप याद रखना कि जब भी अंडर आई एरिया पर आप इस स्पॉन्ज को यूज़ करो, तो इस पोर्शन को आप यूज़ करो, ना कि वो गोल वाला पोर्शन, ताकि प्रिसाइजली लगे। एंड अगेन आप आईज़ को ऊपर की तरफ देखते हुए लगाना, एंड बहुत ही हल्के हाथों से लगाना। बेसिकली आपको घसीटना नहीं है वहाँ पर कुछ भी, एंड ड्रैग नहीं करना है, तो बस बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे, जैसे मैं लगा रही हूँ, बस आपको वैसे ही लगाना है, ताकि आपका जो बेस है वो सेट हो जाए, क्रीज ना करे, फ्लॉलेस लगे एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। अपनी आईज़ के ऊपर आईलेट पर हमेशा लूज पाउडर लगाना, कभी मत भूलना, क्योंकि इसके बाद अगर आप आई शेडो लगाते हो तो ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा सही हो जाती है, बहुत ईजी हो जाती है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लिप्स के आसपास आप इस तरीके से कोई भी चीज़ लगाओगे तो काफ़ी सही रहता है, वो क्रीज नहीं करता है। सो दिस वॉज द फाइनल स्टेप, एंड इसके बाद हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है यूजिंग द स्पॉन्ज। एंड इसके बाद मैंने बस ब्लश लगाया एंड लिपस्टिक हल्का सा लगाया, क्योंकि मेरा आज मेकअप का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मोटिव था बस आप लोगों को ये बताना कि स्पॉन्ज को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड आई होप कि उसमें मैं सक्सेसफुल रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।